नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 11 मार्च 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और बात करेंगे सबसे पहले टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है, बीएड बीटीसी वर्सेस शिक्षा मित्र सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और आपका पहला सवाल होगा ऑर्डर कब जारी होगा, टुडे अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च की क्या अपडेट है। और दोस्तों देखिए, अब आपकी होली समाप्त हो चुकी है और दोस्तों कभी भी जारी हो सकता है ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको एक चीज हम क्लेरिफाई करने वाले हैं कि दोस्तों जो आपका ऑर्डर जारी होगा सबसे पहले आपके कॉल लिस्ट में वो आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी डेली कॉल लिस्ट जारी होती है पहले उसको वहां पर शो किया जाएगा, उसके बाद ही आपका ऑर्डर जारी हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल अचानक से ऑर्डर जारी हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद ही दोस्तों मतलब आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन दोस्तों पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑफिशियल डेट क्या है ऑर्डर जारी होने का। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ देखिए किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। जी हाँ दोस्तों देखिए, अभी सीटेट का दोस्तों जो रिजल्ट आया था, सीटेट दिसंबर 2019 का रिजल्ट 22% था। तो दोस्तों और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में टोटल छात्र अपियर हुए थे 4,10,000 थे, ठीक है। इसको हम जरा देखेंगे, अगर मान लेते दोस्तों आपके 4 लाख का 20% निकालेंगे, समझिए पहले, ठीक है ना। 4 लाख का 20% दोस्तों अगर हम लोग निकालते तो ये होता है आपका 80,000, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों अगर 20% छात्र भी पास होते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 80,000 छात्र पास होंगे। तो आप इससे एक अंदाजा लगा पाएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल काफी छात्रों का आ रहा था कि बीएड के छात्र में कितनी सीटें जाएंगी, बीटीसी में कितनी जाएंगी और शिक्षा मित्रों के खाते में कितनी जाएंगी जब 60-65 की जीत होगी, ठीक है। इस बार आपने दोस्तों देखा होगा कि 60-65 का पक्ष बड़ी ही मजबूती के साथ रखा गया, और देखिए 40-45 का पक्ष भी कहीं से कमजोर इस बार नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो जज साहब ने ये बात कही थी कि आप किसी बात को रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा था दोस्तों कि आपके आर्गुमेंट्स गलत है, खाली उन्होंने ये कहा था कि आप रिपीट बहुत कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में दोस्तों मिश्रा जी को काफी बार रोका गया। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और होगा कि संशोधित उत्तरमाला में कितने नंबर बढ़ने के आसार है, ठीक है ना। यहाँ पर बढ़ना लिखा दोस्तों, पढ़ना नहीं है, ठीक ना, बढ़ने के आसार है, इसको समझना आपको। तो दोस्तों देखिए, संशोधित उत्तरमाला जो जारी होगी उसमें मैक्सिमम आपके 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, मिनिमम दोस्तों 0 भी हो सकता है, कि हो सकता है कि एक भी नंबर ना बढ़े, लेकिन मैक्सिमम 5। तो अगर आप 85 तक हैं दोस्तों तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 90 नंबर हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप 84 पर भी आते तो आप काफी मुश्किल होगा दोस्तों 6 नंबर बढ़ना यहाँ पर, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होगा कि कब तक जारी होगा रिजल्ट और अंतरिम रात पर नौकरी पक्की। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए योगी सरकार क्या लेगी बड़ा फैसला। तो अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम दौर में, और दोस्तों सरकार के रुख से ऐसा ही लगता है कि अब इस बार भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली इलेक्शन आपके बहुत ही पहले अभी जल्द हुए थे, आपने ध्यान दिया होगा, तो वहां पर दोस्तों आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी बहुमत की सरकार बनती है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाइयां दोस्तों काफी तेजी से हुई, तो मतलब दोस्तों एक बात तो अब साफ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब बहुत ही जल्द आपको नौकरी मिलेगी। खाली दोस्तों इंतजार है कि डबल बेंच से ऑर्डर कब जारी हो और आप लोग का जो रिजल्ट है उसके बाद दोस्तों तुरंत जारी किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगेगा। देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर मान लेते रिवाइज डांदर की को लेकर अगर छात्र कोर्ट जाते हैं तो क्या होगा। देखिए मामला कोर्ट में जा सकता है, लेकिन रिजल्ट में दोस्तों इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप ये सोचिए यूपी टेट का दोस्तों रिजल्ट नहीं रुकता, जहां पर 16 लाख छात्र अपियर हुए थे, जी हाँ दोस्तों लगभग 16 लाख छात्र थे, तो उसके कंपेयर में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में तो सिर्फ 4 लाख छात्र हैं। तो यहाँ पर भी मामला कोर्ट में भी जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर स्टे नहीं लगने वाला, मामला भले ही कोर्ट में चला जाए आपका लेकिन स्टे नहीं लग। तो दोस्तों जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। और आपके मन में एक और सवाल रहता है कि डबल बेंच में सुनवाई के बाद किसका पक्ष मजबूत। तो दोस्तों आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, और देखिए दोस्तों इस बार सरकार डेफिनेटली एक बड़ा फैसला लेगी, फैसला किसी के भी पक्ष में है दोस्तों। इस बार सरकार आप ये मान के चलना है आपको कि नौकरी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा नौकरी को लेकर, तो काफी लंबा दोस्तों वैसे भी इंतजार हो चुका है 6 जनवरी 2019 से लेकर और दोस्तों आज 11 मार्च 2020 तक का एक लंबा इंतजार तो हो चुका है। तो अब दोस्तों देखिए नौकरी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कैसे किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं। पहले दोस्तों हम लोग मानते हैं टोटल 80,000 छात्र पास होंगे 60 और 65 में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों होगा क्या, आप इस बात को समझना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है, बाकी दोस्तों आपके एससी और एसटी कैटेगरी में सिर्फ आप पासिंग मार्क भी ले आते हैं। जी हाँ दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 कट ऑफ पर अगर आप पासिंग मार्क भी ले आते हैं, मतलब 90-97 पर,
सिर्फ पास भी होंगे तो आपको नौकरी पक्की है। तो इस बात को आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक है, 90-97 में। लेकिन देखिए, SC ST के लिए दोस्तों सिर्फ पासिंग मार्क पर नौकरी है, और जनरल के लिए दोस्तों आपको कम से कम नहीं तो 60 से प्लस गुणांक चाहिए होगा, और OBC में भी दोस्तों 60 प्लस गुणांक चाहिए होगा, उसके बाद ही आपको नौकरी मिल पाएगी। तो ये सब दोस्तों बेसिक चीजें सबको पता होगा। इसके बाद एक बार और बात कर लेते हैं आपके 40-45 को लेकर, उसमें क्या होने वाला है, ठीक है ना। 40-45 में दोस्तों क्या रेशियो हो सकता है, जैसे दोस्तों आपने अभी देखा कि इसमें इतने छात्र पास होंगे तो 40-45 में कितने होंगे। देखिए 40-45 में दोस्तों मान के चलते हैं कि 60% छात्र पास होंगे, और 4 लाख का दोस्तों निकालते हैं, ठीक है ना, 4 लाख का 60% तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, 2,40,000, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें पास होने वाले छात्रों की तादाद काफी बढ़ जाएगी, तो इसका लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2,40,000 में दोस्तों आपकी जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, उसको जरा समझते हैं। जनरल में दोस्तों ऐसा क्या हो जाएगा, OBC में ऐसा क्या होगा, SC में क्या होगा, और ST में क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो 70 से प्लस गुणांक आएंगे जितने छात्रों के, उनकी छात्र जो होगी वो 20,000 होगी, उन छात्रों की संख्या, ठीक है ना। 20,000 छात्र ऐसे होंगे जो 70 प्लस गुणांक पर होंगे, वो दोस्तों सभी वर्गों से आएंगे, वो ST SC से भी आ सकते हैं, मतलब, ठीक है ना, ST से भी आ सकते हैं, OBC से भी आ सकते हैं, जनरल से भी आ सकते हैं। तो 20,000 सीटें दोस्तों पहले हर 4 कैटेगरी में से दोस्तों सभी को डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों होगा क्या, उसके बाद की प्रक्रिया आपको समझनी है। तो उसके बाद दोस्तों आप देखिए जनरल के लिए कितनी सीटें दोस्तों बचेंगे, आप इसमें देखेंगे OBC SC और ST। देखिए दोस्तों जनरल में अगर आपके 65 से प्लस गुणांक होंगे तो आप कंपटीशन में बने हैं, लेकिन दोस्तों नौकरी पाने के लिए आप 75 प्लस तक को आप तक जाना पड़ेगा। 40-45 की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या 2,40,000 से ज्यादा हो सकती है। आप सोचिए आपके पास सीटें कितनी है, 69,000। एक बार दोस्तों जरा आप ऐसे भाग करके इसको देख सकते हैं, 2,40,000 बटे 69,000, ठीक है ना। तो लगभग दोस्तों 7 * 3 = 21 होता है, तो मतलब समझ लीजिए कि एक सीट पर 3 छात्रों की फाइट है, 3 = 3.5 कर सकते हैं। तो कंपटीशन दोस्तों ज्यादा टफ नहीं होने वाला कि एक सीट पर 3 ही छात्र हैं, लेकिन दोस्तों 69,000 के बाद अगर कोई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो अगर जो छात्र इसमें नौकरी पा गए सो पा गए, लेकिन दोस्तों इसके बाद काफी दिक्कतें होने वाली है, ठीक है। अभी हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके OBC में 60 से लेके कम से कम 65 प्लस होंगे तो आप नौकरी पाने के हकदार बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों SC कैटेगरी में 55 से लेके आपके 60 प्लस होने चाहिए, और दोस्तों ST में अगर 55 प्लस भी आपके हैं तो भी दोस्तों 40-45 पर भी आप नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों ये गुणांक काफी आसान होने वाला, आप डरिए मत ज्यादा, काफी छात्रों के मैसेजेस आते रहते हैं। और एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर हम जैसे हर बार बोलते हैं एज फैक्टर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र ऐसे होंगे जिनके 65 अंक के गुणांक बनेंगे, दूसरा भी छात्र दोस्तों 65 का बन जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों एक छात्र की एज 25 साल है, एक की 28 साल है, तो यहाँ पर नौकरी 28 साल वाले छात्र को दी जाएगी, ठीक है। तो इस बार दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरिट की प्रोसेस है। दोस्तों देखिए अगर ऐसे सुपर टेट के नंबर लिए जाते तो भी दोस्तों काफी छात्र मैच कर जाते हैं, हो सकता है 100 नंबर आपके तो आपके दोस्त के भी 100 नंबर बन रहे, या 99 आपके तो किसी ना किसी छात्र के 99 तो बन ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों उसमें नौकरी किसको मिलेगी, जिसकी उम्र ज्यादा होगी, जिसकी एज फैक्टर दोस्तों यहाँ मैटर कर सकता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और आती है कभी कभी कि मान लेते दोस्तों कि सब कुछ हमारा मैच कर गया, उसके बाद दोस्तों लास्ट में हो सकता है कि नेम को प्रायोरिटी दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे नेम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी बार हो सकता है कि आपको अल्फाबेट को दे सकते हैं, आपका नाम ए से शुरू हो रहा तो ए को नौकरी पहले मिलेगी, फिर बी से हो रहा, ये भी हो सकता है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जितनी भी दोस्तों चीजें होंगी हम आपको अपडेट्स देंगे। देखिए डबल बेंच में सुनवाई के बाद किसका पक्ष मजबूत है, ये सबसे ज्यादा आपका सवाल आता है। देखिए डबल बेंच की सुनवाइयों को दोस्तों सभी छात्रों ने अच्छे से देखा होगा, एनालाइज किया होगा। देखिए डबल बेंच में जो भी सुनवाइयां हुई, ठीक है ना, तो उसमें दोस्तों दोनों पक्षों का या दोनों टीमों का जो पक्ष था काफी मजबूत था। 60-65 टीम ने अपनी बातें रखी, 40-45 टीम में भी अपनी सभी बातों को रखा, मतलब यहाँ पर किसी भी बात को छोड़ा नहीं गया। ये मत सोचिएगा कि 60-65 टीम दोस्तों वन साइडेड आ गए या 40-45 टीम वन साइडेड, दोनों टीमों ने दोस्तों पूरा प्रयास किया। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में जो सुनवाई हुई उसमें दोस्तों इस बार ये देखने को रही ना, बता देते हैं आपको। सबसे पहले बात दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती को 60-65 टीम ने कहा कि नहीं 68,500 शिक्षक भर्ती अलग है, 69,000 अलग है। लेकिन दोस्तों 40-45 टीम ने पूरा प्रयास किया कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 को एक ही दिखाने का, ठीक है ना। अब दोस्तों इनका एक पक्ष बहुत बड़ी बात इन्होंने रखी कि अगर जो 1,37,000 शिक्षक भर्ती आनी थी, अगर दोस्तों वो एक साथ आती तो सरकार क्या कटाप रखती। जी हाँ दोस्तों, ये दो पार्ट में आई। अगर दोस्तों ऐसा प्रावधान रखा जाता कि नहीं चलो सीधे 1,37,000 मतलब शिक्षकों की नौकरी आएगी, तो उस समय क्या कटाप रखी जाती। दोस्तों इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है,
तो हो सकता है दोस्तों जैसा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है दोस्तों फिर से फैसला क्या 40-45 की टीम की तरफ से आ सकता है, मतलब इनके पक्ष में आ सकता है। सिंगल बेंच का फैसला दोस्तों 40-45 की तरफ आ चुका है, अब डबल बेंच का देखने वाली बात होगी। देखिए जितनी भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और अंतरिम राहत पर दोस्तों इस बार नौकरी पक्की है। अगर 60-65 की जीत होगी तो डेफिनेटली सरकार अंतरिम राहत दे के या किसी भी तरह स्टे लेके, सुप्रीम कोर्ट से भी दोस्तों स्टे लेके नौकरी दी जा सकती है। ये मत सोचिएगा कुछ ना कुछ एफिडेविट देकर सरकार अगर से आ जाए कि हमें नौकरी देना है तो देना है। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों बातें योग्यता को लेकर होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो शिक्षा मित्र ये बात जरूर उठा सकते हैं कि आपने जो हमें 25 अंक का भारांक दिया है वो किस काम का भारांक दोस्तों दिया गया, तो इसको यूज करने के लिए दिया गया, ऐसा तो दिया नहीं गया होगा कि चलो ठीक है ये हम दे देते हैं उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन लगा दे जहां तक ये भारांक तक पहुंचे ही ना। तो दोस्तों कोई चीज दी जाती है तो उसका यूज किया जा सकता है, या तो इनको ये काम कर सकते थे, वो 25 अंक का भारांक इनको सुपरटेट में दे सकते थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने नौकरी के प्रोसेस में दिया, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात होगी शिक्षा मित्रों के लिए। इसीलिए दोस्तों शिक्षा मित्र से 40-45 में अगर शिक्षा मित्र पास भी हो जाएगा तो दोस्तों दूर दूर तक उनके पास या उनके मुकाबले में कोई छात्र नहीं रहने वाला। हमने काफी बार आपको दोस्तों बताया कि अगर शिक्षा मित्र 70 नंबर भी ले आते हैं तो उनके करीब भी कोई नहीं पहुंच सकता। 70 का 60% दोस्तों हमने आपको बताया कि कितना होता है, ये होता है आपका 28 नंबर का गुणांक होता है, ठीक है ना, आप चाहे चेक कर सकते हैं भाग करके। तो उसके बाद 25 अंक इनको वेटेज दिया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद आप इनको दिया जाएगा कम से कम, नहीं तो इनके 25 अंक के दोस्तों बन जाएंगे आपका इंटर हाई स्कूल का मेरिट सबको जोड़ के भी इतना बन सकता है। तो 50 ये हो गया, 28 ये हो गया, तो मतलब 78 अंक का दोस्तों इनका गुणांक बन सकता है। तो मतलब 78 अंक का गुणांक टच करना किसी भी छात्र के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। 70 से प्लस में काफी छात्र आएंगे जरूर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि सभी छात्र आने वाले हैं। तो बीएड के छात्रों की तादाद काफी कम है 70 प्लस में, बीटीसी के छात्रों की तादाद काफी ज्यादा है 70 प्लस में, और शिक्षा मित्रों की तादाद अगर 40-45 जीतेगा तो शिक्षा मित्र की तादाद सबसे अधिक हो सकती है 70 प्लस में। तो वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों। और देखिए आपका एक और सवाल कि शिक्षा मित्रों की तादाद कितनी हो सकती है 40-45 जीतने के बाद, तो एक अनुमान के मुताबिक 22,000 से लेकर 25,000 तक शिक्षा मित्र पास होंगे 40-45 कट ऑफ में। देखिए सभी शिक्षा मित्र 40-45 में भी पास नहीं हो रहे, एक बात और हम आपको बता दें, चाहे वो बीएड के हो चाहे वो बीटीसी के हो, काफी बार दोस्तों टेट का पेपर होता है, आपको पता ही होगा टेट का रिकॉर्ड आपके पास रखा है, आप खुद चेक कर सकते हैं, हर बार पेपर अलग आता है, सबकी तैयारी अलग अलग होती है। देखिए होता क्या, सुपर टेट का पेपर 14 सब्जेक्ट से आ रहा है, तो सभी छात्र कंफ्यूज नहीं कि यार पढ़े कैसे कहाँ से पढ़े, तो जो छात्र दोस्तों तैयारी के साथ प्रॉपर तैयारी की उन्होंने उनके नंबर तो काफी अच्छे हैं, लेकिन जिन छात्रों की तैयारी कम थी, या दोस्तों हो सकता है कि जो बीएड के नए छात्र आए हों उतनी अच्छी उनके पास तैयारी ना रही हो, क्योंकि दोस्तों उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। बीटीसी के छात्र दोस्तों इससे परिचित थे, सिलेबस बीटीसी के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पर बीटीसी के छात्रों को एडवांटेज दिया गया एक तरीके से। अब दोस्तों वेट एंड वॉच करते हैं, जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल संशोधित उत्तर वाला में मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, तो आप दोस्तों यहाँ समझ गए होंगे। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं बीटीसी के खाते में दोस्तों कितनी सीटें जाएंगी। देखिए शिक्षा मित्र के खाते में पहले मान लेते हैं कि 22,000 सीटें शिक्षा मित्रों के लिए चली गई, बचती है आपकी 47,000 सीटें हैं दोस्तों। अगर मान लेते 20,000 छात्र आपके बीटीसी में पास होते तो दोस्तों इतने छात्र और घटा लीजिए आप लोग 47,000 में से, ठीक है, फिर 27,000 सीटें दोस्तों आपके पास बीएड के छात्रों के लिए बचेंगी। तो कुछ आपका दोस्तों ऐसे नौकरी का प्रोसेस होने वाला है जब 40-45 कट ऑफ की जीत होगी, ठीक है ना। अधिक अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। जैसे दोस्तों ऑर्डर की डेट जारी होगी सबसे पहले कॉल लिस्ट में उसका प्रोसेस आएगा, तो सबसे पहले कॉल लिस्ट दोस्तों जो भी आएगी हम आपको अपडेट करके बताते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, फिर मिलेंगे।